प्रणाम सर। प्रणाम सर, क्या हालचाल है? प्रणाम सर, हम लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। शांति आंदोलन, शांति आंदोलन जी, बहुत बहुत प्रॉब्लम है सर। देखो ऐसा है बच्चों, मेरी बात हुई, फोटोज वगैरह वीडियो वगैरह दे दीजिए, बना दीजिए, शेयर कर दीजिए। बात हुई मंत्री जी, आप लोग का डाउट ठीक था कि इसको हटा करके एग्जाम की प्रक्रिया ला रहे हैं, पर लेकिन उन्हें आश्वासन दिया है कि 1.5 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेंटर्स अलॉट होंगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करेंगे 1.5 महीने के अंदर उन लोगों को ज्वाइन कराया जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है? कुछ कारण हुआ कि जो लोग वेरिफिकेशन के लिए जो एजेंसी थी ना, जो वेरीफाई कर रही थी फर्जी डिग्री है कि क्या है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऑफिस भी मैनेज कर लिया गया। ऐसी रिपोर्ट आई विजिलेंस के द्वारा, जो स्पेशल विजिलेंस है ना, दो विजिलेंस होते हैं, एक नॉर्मल विजिलेंस होता है, एक स्पेशल विजिलेंस होता है। तो स्पेशल विजिलेंस जो है इसको वो कर रहा था, इसको परस्यू कर रहा था, तो जो ऑफिस वेरिफिकेशन के लिए था वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। यानी कहीं ना कहीं आप ही लोगों का अहित हो जाता है, जो आदमी काबिल नहीं है उसका भी हो जाता है, समझे ना। तो इसीलिए प्रक्रिया इस तरह से की जा रही है कि इसको अभी कैंसिल करना है इमिडिएटली, और 1.5 महीने के अंदर ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। तो ऑनलाइन मतलब सेंटर अलॉट का मतलब है ना, कंप्यूटर बेसिस एग्जाम सर? एक साल का हम लोग को, दो साल सेम जो कोर्स है ना आपका, जो सेम कोर्स है ना, उसी चीज के ऊपर आधारित होगा और बहुत सिंपल होगा, आपको बता दे रहा हूं। क्योंकि अगर एग्जाम के बेसिस पे होगा, सिलेबस मालूम है, कुछ मालूम है, डायरेक्ट अमीन वाले के लिए हम कह रहे हैं। और कौन कौन लोग हैं? वही सर, सर नोटिफिकेशन जब निकाला गया था उस डेढ़ महीने के बाद बात है सर, सिस्टम प्रिपरेशन में तो नहीं हुआ हम लोग। जब नीमा वाली निकली थी कि नंबर बेसिस एग्जाम नंबर रूल्स के खिलाफ ना सर, ये नोटिफिकेशन ऐसा बीच में क्यों आ रहा है? ऐसा आना क्यों बोल रहा है? वर्षों से बोला जा रहा है कि रिकॉर्डिंग का भी एग्जाम हुआ है सर, कॉल वेटिंग जा रहा है मंत्री, कल ही हमको मिले वो हाउस के बाहर विस्तारित भवन में, तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बच्चे आए थे, सब लोग आए थे, तो बोले तो उसे बहुत धांधली हो गई। अब लेकिन 1.5 महीने में आप लोगों ने अभी रिसेंटली खत्म किया है ना अपना कोर्स वगैरह, कैसे इसीलिए हम लोग अच्छे से उसके लिए एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं किए सर, और इसका हर दिन इधर से कोई भी रूल लगाया जाता है तो उसको नोटिफिकेशन में पूरा एक बार डाल देना चाहिए। और इतना हम लोग को वेटिंग करने के बाद ये फॉर्म आया, अब आप लोग सडनली बोल रहे हैं कि इसको कैंसिल कर दीजिए सर, और डिपार्टमेंट का इशू है ना, समझ नहीं पा रही है। लेकिन डिपार्टमेंट जो वेरिफिकेशन था लास्ट गवर्नमेंट में वेरिफिकेशन हो रहा था, वो ऑफिस कॉम्प्रोमाइज हो गया। अगर उसी के बिहाफ पे अगर लिस्ट निकल जाता ना, तो आप में से बहुत सारे लोग वंचित रह जाते। मेरा कहना है सर, वन थिंग और सर, और बाहर के स्टेट के लोग ज्यादा थे उसमें, सर वन थिंग और, अगर अदर स्टेट का जो है ना वो लोग कम दिया जाए, हम लोग का बढ़ा दिया जाए, कहना मेरा कहना नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो गई, एक अलग एसोसिएशन
विघटन करके और फिर से जो उसको टेक ओवर करवाया जाएगा तो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बिहार में सभी पीएससी सर हम लोगों को कहना है ना सर, अब जहां गड़बड़ी पता चल चुकी है उससे कॉम्प्रोमाइज कैसे कर ले आप सर? यहाँ पे जब डिग्री बनवा लिया है हम लोग जीवन बर्बाद नहीं हो जाए क्वेश्चन आउट हो जाएगा ना सर, क्वेश्चन आउट नहीं सर, बीपीएससी जैसा एग्जाम में सर सर मेरा बात है मानेंगे रुके रुके हो मानेंगे रुके ना सपोर्ट इनका लेना सर 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 क्वेश्चन बोलते रहो क्वेश्चन टीम बना लो और मेरे साथ चलो अभी लेकिन विधानसभा में तो घुसने नहीं देगा भाई जी कहाँ गया पीए साहब आशुतोष भैया डिपार्टमेंट जो चाहे सर हम लोग जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़े हैं ना उसमें सर फर्जी नहीं मिलता है सर। देखो एक जेनरिक रूल बनेगा, जेनरिक सबके लिए बनेगा, किसी के लिए स्पेसिफिक तो बनेगा नहीं क्योंकि पांच लोगों को सूट करे या चार लोगों को सूट करे जब वैकेंसी इतनी ज्यादा है तो ऐसा तो होगा नहीं। उसकी तैयारी इसी तरीके से होगी कि भाई यूनिफॉर्मली जो है वो सेटअप हो और ऐसा मतलब कि वो बने, ऐसा करिकुलम बने, ऐसा उसका वो बने जो कि मतलब कि जीएस आधारित हो, जनरल स्टडीज आधारित हो। जो जीएस होता है ना जीएस, अरे आप लोग ये टेक्निकल जॉब है, टेक्निकल जॉब अगर है तो आप लोगों को कुछ लेवल ऑफ टेक्निकल नॉलेज तो है ना भाई? है सर, बात उसका नहीं है, जब 2-8% किया जाए सर, जब 2 लाख में डिग्री ला सकता है सर, सिर्फ इस आशंका में कि भविष्य में फर्जीवाड़ा ना हो जाए, उसके लिए आज के फर्जीवाड़ा को तुम सही कैसे सर? एक मिनट, जब 2 लाख में सर भविष्य में तुमको आशंका है कि फर्जीवाड़ा हो जाए तो उस आशंका को तुम लेकर के पास के फर्जीवाड़ा को कहे तुम लोग उसको सपोर्ट, तो फिन तो हेलेगा ना सर? सर वो पहले की सरकार जब एग्जाम होगी सर, सुनिए सर, सर कम से कम बिहार के स्टूडेंट को रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए सर। जब 2 लाख में डिग्री खरीद सकता है सर तो सेटिंग क्यों नहीं, उसका भी तो फॉर्म फिलअप कर सकता है ना। सुनो एक सेकंड, नहीं नहीं, दो आदमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा सर। मेरा मुद्दा जो भी एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाओ, ठीक है, हम ये कह रहे हैं एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाओ और उसमें जो है सारी चीज तुम लोग आपस में डिस्कस करके, इस तरह से नहीं एक साथ बोल बोल के नहीं, सबकी व्यू पॉइंट लेकर के एक चार्टर ऑफ डिमांड बना दो। बना उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एक डेलीगेशन बना करके मंत्री से, हम खुद लेके चलेंगे तुम लोग। ठीक है सर, अरे पूरा सपोर्ट 100% सपोर्ट सर, मेरा बात सुनिएगा सर, तो आप लोग बनाए सर। सर हम लोगों का कहना है सर कि जिस नियमावली जो आया था उसी के अनुसार भर्ती कराया जाए, कॉम्प्रोमाइज हो चुका है पहले यार, भर्ती वाला हो गया जाए, वो अगर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो कॉम्प्रोमाइज यही तो कह रहे हैं, मतलब कि जो हो चुका है फर्जीवाड़ा उसको तुम लोग जस्टिफाई कर रहे हो ये बोल के कि भविष्य में भी फर्जीवाड़ा। सर ये काम विभाग का है, कोई जस्टिफाई करे कौन करेगा? अरे साउथ से एजेंसी आएगा कोई, वही कंडक्ट कराएगा सर, हम उसको मतलब है नहीं यहाँ पे, हम लोग का तो ओरिजिनल है सर, बिहार से, बिहार में तो लेना नहीं चाहता सर एजेंसी को, सब रिकॉर्ड नहीं है, जान के लिए लेना नहीं चाहता मैं, कितना लेट हो रहा है, कैंसिल भी हुआ ना लंबा खिंचा सर, दो तीन ऐसे बात कर रहे हो, तैयारी नहीं हो पा रहा है सर, तैयारी नहीं हुआ है।
सर पिछले बार भी नहीं हुआ टेक्निकल नॉलेज के ऊपर सर आपकी दो साल पहले डिग्री मान लो कंप्लीट हुई सर क्या अभी आप भूल गए सर बीटीएससी में ऐसा बिना मरने से क्यों ले रही है पर डर यही है किसमें भी धान नहीं हुआ तो फिर सब नहीं होगी बात नहीं नहीं कैसे होगी वो पहले बोले कि वो कंप्रोमाइज हो गया पर सर पता नहीं जो पारदर्शिता हो जाता सामने भी लगता रहेगा एग्जामिनेशन में होता क्या है जो भी वैकेंसी निकलती है जो पिछले यही वैकेंसी 2019 में निकले था उसका भी नियमावली था ठीक है उसी नियमावली से सिलेक्शन हो गया पूरा हो गया हो गया उसी नियमावली पर अभी निकली है 2019 में दूसरा फेज तो सर वैकेंसी निकली उस नियमावली पे पूरा हो जाए तो अगर इंतजाम कंडक्ट होगा तो उसके लिए नया नियमावली फिर पास कराना पड़ेगा जिसमें सर एक साल कम से कम टाइम लगा क्योंकि हम लोग जानते हैं चार पोस्ट है सर सर नियमावली पास कराने में राज्यपाल साइन करेंगे सर इसमें कहाँ कहाँ प्रोसेस होता है।